मैं दोहरी जिंदगी जी सकता हूँ। मुझे सिर्फ 15 मिनट में 4 घंटे की नींद के बराबर आराम मिल जाता है। मैं किसी को भी झूठ बोलते आसानी से पकड़ सकता हूँ। अगर मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ तो मुझे साफ साफ नज़र आने लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं अर्थ के रोटेशन को भी महसूस कर सकता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आपको क्यों स्पिरिचुअलिटी, योगा ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको क्या लगा कि कुछ देर और देखोगे तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा? नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले कि हम कुछ आगे बढ़ें, अच्छा होगा कि आप मेरे बारे में कुछ जान लें। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो ट्रेडिशनल लुकिंग बंदा है, फिर से कुछ भारत की ट्रेडिशनल बातें करेगा। तो एक मिनट, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले मैंने एक बहुत ही छोटे से बिजनेस से शुरुआत की। वही जो मैक्सिमम स्टार्टअप्स का सपना होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। मेरा दिमाग तेज तो काम करता था, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं अटक रहा था। मेरे दोस्त भी मुझे बोलते थे, मेरे जानने वाले मुझे बोलते थे कि तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं अटक कहाँ रहा था। फिर मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि मुझे अपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर एक साथ काम करना होगा। और इसके लिए मैंने कई सारे चीज़ नॉलेज इकट्ठे करने चालू किए। मैंने संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा, मैंने रॉबिन शर्मा का बुक पढ़ा, खास करके द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। उन सभी चीज़ों को मेरे को देखने और पढ़ने से समझ में आया कि मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। पर मेडिटेशन करने का भी मैं कोशिश किया, लेकिन मेडिटेशन हो नहीं पाया। फिर मैं क्या करता, क्योंकि आँख बंद करना बस मेडिटेशन नहीं होता है, मेडिटेशन को प्रॉपर तरीके से करना होता है, सही तरीके से मेडिटेशन करना होता है। अब मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी में तो वो हिमालय चला गया था मेडिटेशन की तलाश में, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। और फिर आया मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट। मुझे एक ऐसा योगा प्रोग्राम मिला जिसने मेरी लाइफ बदल दी। अब मैं ज़्यादा उसकी बड़ाई नहीं करूँगा, बस मैं सिंपल टर्म्स ऑफ कंपेरिजन में बताऊँगा। वही बिफोर आफ्टर वाला आप तो जानते ही हैं कि लाइफ पहले कैसे था, बाद में कैसे हो गया। तो पहले मेरे लाइफ में अगर फिज़िकली देखा जाए तो बहुत सारा कुछ छोटा छोटा समस्या, जो मुझे लगता ही नहीं था कि ये समस्या है, मुझे लगता था कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। अब वो जीवन का हिस्सा ही था मेरे लाइफ का। जैसे कि मुझे कभी कभार अचानक से छोटा सा बुखार हो जाता था, कभी मुझे अचानक से सर्दी हो जाता था, और मुझे लगता था कि ये तो हर किसी को होता होगा, लाइफ में हर किसी को होता होगा। मेरा डाइजेशन में हल्का फुल्का इश्यूज था, जैसे कि मुझे एसिडिटी वगैरह होती थी, और ये सब मुझे अपने जीवन का हिस्सा लगता था, मुझे अपना लाइफ नॉर्मल लगता था। लेकिन जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो ये सारी समस्याएं मेरी ठीक हो गई, अपने आप ठीक होने लगी, धीरे धीरे करके ठीक होने लगी ये, क्योंकि और इन्हीं सब समस्याओं की वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह होते थे, वो सब भी गायब हो गए, वो सब भी ठीक होने लगे। अब देखते हैं कि मेंटली क्या क्या फ़ायदे हुए। मेरे लाइफ का जो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, वो सबको मैं ध्यान नहीं देने लगा और मैं अपने एक गोल पे फोकस करने लगा, मैं अपने बिजनेस पे ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाया, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं होता था, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करता था और उसके बाद ही मैं कुछ एक्शंस लेता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हो गई सब नॉर्मल बातें, ये तो वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, वो सब कहाँ गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। जो मैंने आपको अपने मेंटल बेनिफिट्स के बारे में बताया, अपने माइंड के बेनिफिट्स के बारे में बताया, उसके वजह से मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लगा। जब मैं चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लगा, जब मैं लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लगा, तो मैं लोगों के बारे में और भी अच्छे से समझने लगा। और मैं जब लोगों को अच्छे से समझने लगा, तो मैं किसी का भी झूठ यूँ ही पकड़ने लगा, क्योंकि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उन लोगों का झूठ सच सामने आ जाता है। उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज और उनके बहुत सारी चीज़, उन लोगों का बात करने का तरीका, उनके टोन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप प्रोसेस होने लगी और मैं उन लोगों का झूठ बहुत ही एक झटके में पकड़ने लगा। इसके अलावा मैं सिर्फ
15 मिनट के शून्य ध्यान करने से, शून्य ध्यान एक प्रकार का ध्यान होता है, उसको सिर्फ मात्र 15 मिनट करने के बाद मुझे 4 घंटे की नींद के बराबर आराम मिलने लगा। ऐसे ही जब मैं एक रात सो रहा था और मैं अपनी चीज़ों के, अपने आसपास के वातावरण, अपने हर चीज़ के लिए जब मैं फोकस होने लगा और मैं ऑब्ज़र्व करने लगा, तो मैं सोते समय मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अर्थ रोटेट हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे बेनिफिट्स से दूर रहना है, अपने फिजिकल बेनिफिट्स, अपने मेंटल बेनिफिट्स और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स से अगर आपको दूर रहना है, तो आप योगा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। और अगर आपको ऐसे फ़ायदे चाहिए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ लाइफ है जो हर किसी के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकता है। तो आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको भी कुछ अलग अनुभव हो सकते हैं, हो सकता है इससे अच्छे अनुभव हो, सकते हैं इससे बेकार अनुभव हो सकता है कुछ डिफरेंट काइंड के अनुभव हो, लेकिन आपको अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली एनहेंस होंगे, आपका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है, वो सारे इक्विपमेंट्स का डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके लाइफ में एम क्या है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाइफ को इंस्पिरेशन मिल पाए, जैसे मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन मिला और भी लोगों के वीडियोस और बुक्स पढ़ने से। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।